हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं मस्त मियन मिल्क शेक। समर सीजन चल रहा है तो मार्केट में इजीली मिल जाता है, और अगर आप मैंगो के साथ मस्त मियन मिल्क शेक बनाएंगे तो उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। और खास बात यह है कि इसे बहुत आसान तरीके से घर पे आप मिनटों में बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए हम एक मस्कमेलन ले रहे हैं, यानी कि खरबूजा, और खरबूजा एकदम पका हुआ होना चाहिए, एकदम फ्रेश। आप देख रहे हैं कि हमारा खरबूजा कितना पका हुआ है। और एक हम आम ले रहे हैं, यानी कि मैंगो, ये भी बहुत मीठा है। बस इसे नाइफ की हेल्प से अच्छे से टॉप पार्ट को कट कर लेना है। हाँ, टॉप पार्ट को ही कट करना है, क्योंकि टॉप पार्ट को कट करेंगे तो अंदर का जो माल मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा। तो हमने इसे बहुत अच्छे से कट कर लिया है, तो एक कटोरी लेते हैं और एक स्पून की मदद से इसे कूप आउट कर लेते हैं। इस तरीके से इसे निकालेंगे तो बहुत आसानी से ये निकल जाता है, और पका हुआ होगा तो और भी आसानी से निकल जाएगा। और इसका बीज हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि इसे भी हम यूज में ले रहे हैं। अगर आप नहीं खाना चाहते तो स्किप कर सकते हैं और इसे सुखा कर खा सकते हैं, या फिर बीज लगा सकते हैं। फिर अगले साल बहुत सारा आप खरबूजे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारा खरबूजा हो जाएगा ना। और आप देखिए कि इसे हमने बहुत अच्छे से कूप आउट कर लिया है, और ये जो खोखा है ना, इसे फेंकना नहीं है, क्योंकि इसी में हम सॉप करने वाले हैं। तो बस इसे साइड में रखते हैं, और जो खरबूजे को हमने निकाल लिया है तो इसे मिक्सी जार में डाल दे रहे हैं। और डालने के बाद हम क्या करेंगे ना, कि अपने आम को अच्छे से पहले तो वॉश करेंगे, और वॉश करने के बाद कट कर लेंगे। ये बहुत मीठा आम है, और मीठा भी आम होना चाहिए, क्योंकि मिल्क शेक जो बनेगा वो मीठा लगेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसे कुछ इस तरीके से कट करेंगे ताकि बच्चों को भी बहुत पसंद आए। आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है, तो हम तो आप लोग को यही कहेंगे कि आप कोई सा भी शेक बनाइए घर पे, लेकिन बच्चों को, बड़ों को, सबको पिलाइए। क्योंकि गर्मी से बचना है तो आपको मिल्क शेक पीना ही पड़ेगा, या कोई भी ड्रिंक लेना पड़ेगा। तो बस आम को हमने बहुत आसानी से कट कर लिया है, और इसे हम मिक्सी जार में डाल दे रहे हैं। और आम को मिक्सी जार में डालने के बाद इसमें हम डालेंगे मिल्क। मिल्क हम एक कप ले रहे हैं, और ये एकदम फुल क्रीम वाला मिल्क है, आप घर का भी मिल्क ले सकते हैं। और फिर इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून शुगर। हम यहाँ पे शुगर बहुत कम डाल रहे हैं, क्योंकि हमारा आम मीठा है, और इसे हमने बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो इसे क्या करते हैं कि जो हमारा ये खरबूजा है इसी में हम डाल दे रहे हैं, और डालने के बाद ऊपर से थोड़ा सा मैंगो चंक्स डाल देंगे। मैंगो चंक्स से बहुत ही अच्छा लगता है, ताकि आप खा भी सके और पी भी सके, इतना टेस्टी लगता है। और थोड़े से ड्राई फ्रूट से इसे गार्निशिंग कर देंगे, और देखिए इसका लुक कितना टेम्पटिंग दिख रहा है ना। बनाना आसान, घर पे आप लोग गर्मियों में ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, और आप लोग अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको ज़रूर पिलाइए, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है भाई साहब। और हाँ, हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए।